चैप्टर प्रोडक्शन एनालिसिस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी लाऑफ वेरिएबल प्रोपोशंस लाऑफ वेरिएबल प्रोपोशन इज हैविंग अमिलर कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन द ला ऑफ डिमिंशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी सो द लॉफ वेरिएबल प्रोपोशन हमारे उन तमाम एंटरप्रन्योरल और प्रोडक्शन ऑस्पेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पे हम शॉर्ट रन में किसी भी वेरिएबल इनपुट को इस्तेमाल कर रहे हो एंड इट एक्सप्लेन्स That when we are going to add one variable by one unit and the other unit and the next unit, means we are going to add various units, various proportions of that variable. In the start, with the addition, there will be the incremental rise in the total production, and after that.

कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू एग्रीकल्चर नॉट ओनली टू द सिंपल लेबर इट मीन एवरी ऑस्पेक्ट वेन एवर देअर विल बी सर्टन ऑस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इनपुट है दैट पर्टिकुलर इनपुट जिसके हवाले से हम ये वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस कर रहे हैं मीन इट कैन भी पॉसिबल कि ये लेबर के हवाले से हो ये एनर्जी के हवाले से हो ये कैपिटल के हवाले से हो तो वेन इनिशियली

उसके साथ अब हमारी प्रोडक्शन इट कैन डिक्लाइन फर्दर सो इट इज पॉसिबल दैट दैट प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबल इनपुट इट इज गोइंग टू इंक्रीज़ बट द प्रोडक्शन इट इज गोइंग टू डिक्लाइन एंड इस ला के साथ अगर हम अब हम देखते हैं तो इसकी कुछ सर्टन एजम्पन्स हैं मीन्स इस टोटल प्रोसेस को वैलिड होने के लिए हमारे पास एक मेन जो एजम्शन है वो ये है कि ड्यूरिंग दैट प्रोडक्शन प्रोसेस वेन वी वर इंक्रीजिंग दैट वेरिएबल इनपुट जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हो रही थी वो कॉन्स्टेंट या सेम रहे और अदर वर्ड्स में अगर हम जनरली कहें तो ये है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन वंस अज्यूम कर लिया गया वो सेम का सेम प्रोडक्शन फंक्शन वैसे का वैसे ही रहे सेकेंडली जो ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट इस्तेमाल किए गए हैं वो ओवर द टाइम जब जब इस्तेमाल हो वो होमोजीनियस ऑफ नेचर हो अब अगर हम यहाँ पे उसकी फिजिकल पे जाएं तो हम उसके साथ साथ इसके कुछ और डीप ऑस्पेक्ट हैं मेन हर एक यूनिट के हिसाब से जो आउटपुट में एडिशन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी सो द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ दैट इट इनपुट इट शुड रिमेन्स द सेम अब यहाँ दो ऑस्पेक्ट हैं अगर आप इस पर देखें कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सेम अमाउंट ऑफ इनपुट वही रहती है जिस तरह हम गाड़ियों में कोई ब्रेक आयल यूज़ कर रहे हैं या आप अपनी टेक्नोलॉजी में देखते हैं कि वही हमारे पास एक यूनिट हो रहा होता है जिसको हम देखें लेकिन उसकी ओवर द टाइम्स क्वालिटी अच्छी हो जाती है उसकी एफिशिएंसी है वो ज़्यादा आउटपुट देने लग जाता है तो उस इनपुट को जब अगर हम देखेंगे तो फिज़िकली हो सकता है वो सेम हो लेकिन Means, अगर आप एक फ्यूल का एक लीटर इस्तेमाल कर रहे थे तो उस एक फ्यूल से अब वो ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट और क्लियर आ रहा है तो गाड़ी अगर ज़्यादा माइलेज चल रही है तो इट मीन्स उसकी पर यूनिट प्रोडक्टिविटी चेंज हुई है सो so, जब ला वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये अज्यूम करता है ये हमसे डिमांड करता है कि फॉर देट परपजस जो इनपुट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके जो सक्सेसिव यूनिट्स फिजिकल एंड एज वेल एज क्वालिटी पैरामीटर इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो ये है कि जब भी हम एक वेरिएबल पोर्शन के लिए इनपुट इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसके लिए हमने डिमिशिंग रिटर्न को देखा है तो उसके साथ साथ इट रिक्वायर दैट देयर शुड बी सम Other factor they will remain fixed for that production function. Because it is not possible wo production function of a input ki base par hi complete ho raha ho. So those supply of the physical factors and the fixed factor they should remain within the system. And now coming to the point, if we will say this law of variable proportion. जो एक हमें सबसे बड़ा ऑस्पेक्ट यहां शो करता है कि वेन वी विल एड ऑन सर्टन वेरिएबल्स टू आवर सेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन तो कई दफा ऐसा होता है कि हम इनपुट्स में दो तीन चार यूनिट्स ऐड कर रहे हैं लेकिन जितना इंक्रीज वी आर गोइंग टू ऐड इन द इनपुट सेक्टर आउटपुट में इंक्रीज उसके इक्वल होती है और देयर कैन बी टोटल इंक्रीज इन द आउटपुट मे बी मोर देन दैट एंड देर इज पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे इंक्रीज की बजाय डिक्लाइन आए सो हेयर वी कैन से देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द रिटर्न वन दैट विल भी इंक्रीजिंग रिटर्न मीन्स द अमाउंट और द क्वान्टिटी ऑफ द इनपुट इफ इट इज एडिड बाई सट ऑफ के द टोटल इंक्रीज और द टोटल प्रोडक्ट ऑफ द आउटपुट इज मोर देन के एंड इफ That amount is less than that k amount, we will say there is a decreasing return. If that amount is more than k, there will be increasing return. And if the incremental part of the inputs is just equal to the incremental part of the output, we will say that there are the constant returns to scale. So, keeping in view, we can have various forms of the production process.

हम डिवाइड ही नहीं कर सकते देयर इज सर्टन इनडिविजिलिटी तो सो इन दिस फॉर्म नाउ वन और दू इज गोइंग टू एड अप इन दो एंड वन एंड अदर फैक्टर फॉर द इनक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज दैट दैट देर कैन बी सर्टन स्पेशलाइजेशन और द डिवीजन ऑफ लेबर दैट हैज प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी दैट वी आर गोइंग टू हैव इनक्रीजिंग रिटर्न एंड वैन वी से डिक्रीजिंग रिटर्न there are certain factors behind those decreasing return that all types of the fixed factor that we are going to utilize either in industry either in agriculture they are having very particular level of the out optimal level that beyond that it is not possible for those fixed factors to have their contribution in the output so for fixed factors a जो एक मुतन थ्रेश होल्ड है अगर उसके भिजौड़ जाएंगे तो देयर विल बी आई द डिटोरीशन इन द क्वालिटी और देयर कैन बी डिक्लाइन सो लाइक वाइज बहुत सारी दफ़ों पे हमारे पास ऐसा एस्पेक्ट आ जाता है कि कुछ इनपुट्स के हमारे पास परफेक्ट सब्सिट्यूट्स पॉसिबल ही नहीं होते हमें उनका अल्टरनेटिव नहीं प्रोप्रिएट मिल रहा होता तो इस वजह से भी हमारे लिए ये कुछ रीजंस बन जाती हैं कि हम इनपुट्स में कुछ को वेरिएबल को एडअप कर रहे हैं तो लेकिन इन रिटर्न पे बजाय इसके कोई इंक्रीज हो रहा है हमारे आउटपुट में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है